वेलकम व्यूअर्स, ये एक आम सी बात है कि जब भी कोई लड़की या औरत पहली बार फिजिकल रिलेशन में जाने वाली होती है, ने इसकी मंगनी हो जाए या शादी होने वाली हो, तो इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, दर्द पता नहीं कितना हो सकेगा, मुझसे बर्दाश्त होगा या नहीं, ब्लड तो नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कितना निकलेगा, जब मर्द दबूल करेगा तो कितना पेन होगा और जिस्म पर इसके क्या क्या असर होंगे। तो इन्हीं सब बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि सेक्स करने से औरत के जिस्म में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहली जो फीलिंग्स है वो है एक्साइटमेंट। जब पहली बार सेक्स होता है तो एक्साइटमेंट का होना लाजमी होता है। एक्साइटमेंट आपको खुशी का हो सकता है, एक्साइटमेंट आपको डर या क्यूरियोसिटी का हो सकता है, यानी एक्साइटमेंट आपके इंटरनली पूरी बॉडी में आप फील करोगे। आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अराउज होते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता रहता है। आपका दिमाग जैसे ही आपकी बॉडी में सिग्नल भेजता है तो इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर आपके जेनिटल एरियाज में बहुत बढ़ जाता है। आपके अंदरूनी मसल्स आकर जाते हैं और वजना के अंदर के मसल्स स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को जब आप फील करना शुरू करोगे तो पूरे जिस्म में हल्की हल्की सी गुदगुदी महसूस होगी और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। आपकी वजना में जो क्लिट है वो हल्की हल्की सी स्वेल होती है। क्लिट साइज अपने नॉर्मल साइज से दुगना तक बढ़ जाता है। जैसे लड़कों के लफ्स में तनाव आता है, ऐसे लड़कियों के क्लिट में तनाव बनता है। ऐसे में जो ब्रेस्ट है इनमें टेंडरनेस फील करोगे और जो निप्पल्स हैं इनमें भी तनाव बढ़ जाता है। बहुत ज़बरदस्ती सेंसेशनल सी फीलिंग महसूस करोगे। आपके प्राइवेट पार्ट्स का जो एरिया है इसमें ज़्यादा मज़ा महसूस करोगे। आपकी वजना वेट हो जाएगी। इसमें जो लुब्रिकेशन होती है, जो मादा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मादा इतना नहीं निकलेगा कि बाहर बहने लगे, बस इतना आपको फील होगा कि वजना अंदर से गीली हो चुकी है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अराउज होते हैं आपकी वजना जो है वो लुब्रिकेशन करती है, जो कि सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वजना लुब्रिकेट नहीं होती तो आपको बहुत दर्द और रगड़ महसूस हो सकती है, इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी और अच्छी बात है। तो ये हो गई शुरुआत की बात, जब आप सोच रहे होते हैं कि आपकी बॉडी रेडी हो रही है, क्योंकि ये सब चेंजेस तब होती हैं जब आप सोचते हैं, आपकी और बॉडी अराउज होती है और इस फीलिंग के बारे में एक्साइटेड होती है या फोरप्ले करते हैं। ये सब कुछ क्लाइमेक्स में बहुत होता है और जब आप रेडी हो रहे होते हैं। इस वक्त आप अराउज़ के पीक पर होते हैं। इस टाइम आप ख़ास तौर पर अपने ब्रेस्ट में, अपने प्राइवेट पार्ट्स में अराउज़ महसूस करोगे, एक टाइटनेस महसूस करोगे, जैसे बहुत ज़्यादा तनाव बन चुका है। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में एक कंट्रेंट से फील करोगे, जैसे आप पेंस की तरह धड़क धड़क रही होती है। फिर सेक्चुअलेशन आपको महसूस होगी, किस स्पीड से चल रही है, और अंदरूनी तौर पर आप महसूस करते हो जैसे शर्मगाह के अंदर सुराख सुखड़ता और खुलता है, बहुत तेज़ी से ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप फील कर रहे हो इस टाइम पर आपको प्लेजर हो रहा है, जब मसा महसूस हो रहा है इस मौके पर आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन दोनों मादे रिलीज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। आप इंजॉय महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप घुसते जाते हो, जितना ज़्यादा सोचते और समझने की कोशिश करते हो, आप इस फीलिंग के एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि ये प्लेजर हर फीमेल को नहीं मिलता, क्योंकि कुछ को फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी को इसको फील करने की समझ नहीं होती और कुछ को इसके सारे प्रोसेस की कोई समझ ही नहीं होती कि ये हो क्या रहा है, इसको कैसे फील करना है। और जिसको ये समझ आता है ये टाइम कैसे इंजॉय करना है, तो इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। और याद रखें, जब मर्द दाखिल करता है तो इसमें दर्द को डर एक साइड पर रख कर सिर्फ इसको इंजॉय करें, सिर्फ इस वक्त को, इस सिचुएशन को फील करें। लेकिन माने दर्द ब्लड बला सब गुजर जाएगा, लेकिन माने दर्द ब्लड बला बला सब कब गुजर गया आपको।
को पता भी नहीं चलेगा। जब आप रिलीज हो जाएं और मर्द को आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन की तरफ चली जाएगी। जो पर्स सर्कुलेशन आपकी बॉडी को तनाव में ले रहा था वो रिलैक्स हो जाएगा और आप भरपूर सुकून और ऐसा एहसास महसूस करोगे जैसे कि जन्नत की सैर हो। तो ये सब बहुत अभिक्रियाएँ हैं जो सेक्स करते हुए एक फीमेल की बॉडी में होती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद है।